अक्षय या फिर सलमान में से कौन है किससे कम? जी हाँ, कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम आज के टाइम के दो सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स के बीच। यहाँ जिक्र करेंगे किसका डेब्यू था धमाकेदार, एक्टिंग में है कौन बेमिसाल, कमाई के मामले में कौन शानदार, अवार्ड्स में कौन है वजनदार और किसका स्टारडम है जानदार। धमाकेदार डेब्यू। सबसे पहले डेब्यू पर आ जाते हैं। दोनों के डेब्यू में लगभग 2 साल का गैप है। सलमान की पहली बतौर मेन लीड एक्टर फिल्म थी मैंने प्यार किया, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। वहीं अक्षय की पहली फिल्म 1991 में सौगंध आई। लेकिन बात करें किसका डेब्यू दमदार था, तो साफ है कि सलमान खान। सलमान खान ने जहां पहली फिल्म से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था, ये फिल्म कई थिएटर्स पर 100 हफ्ते तक हाउसफुल चली थी, इतनी जबरदस्त हिट थी। लेकिन अक्षय कुमार की पहली फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अक्षय को बॉलीवुड में 3 सालों में लगभग 12 फिल्में देने के बाद पहचान मिली। अक्षय की पहली सुपरहिट फिल्म थी खिलाड़ी, तो डेब्यू तो सलमान का बड़ा था। बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग में तो जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार ही सलमान पर भारी पड़ते हैं। सलमान की बेस्ट फिल्में जिसमें सलमान की एक्टिंग दिखी, हम आपके हैं कौन, तेरे नाम, दबंग, सुल्तान, बजरंगी भाईजान। वहीं अक्षय कुमार की ऐसी फिल्में जिसमें उनकी एक्टिंग दिखी, संघर्ष, जानवर, हेरा फेरी, भूल भुलैया, सिंग इज किंग, एयरलिफ्ट, रुस्तम और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी कई फिल्में हैं जिसमें अक्षय की एक्टिंग स्किल्स की तारीफें हुई। लेकिन सलमान को एक्टिंग के लिए तारीफें कम ही मिली। कमाई में किसने मारी बाजी, इस मामले में भी अक्षय ने सलमान को पीछे छोड़ दिया। फॉर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय लगभग 283 करोड़ रुपए एक साल की कमाई के साथ 7वें नंबर पर हैं, जबकि सलमान खान 269 करोड़ रुपए एक साल में कमाकर 9वें नंबर पर हैं। अवार्ड्स में कौन है वजनदार, यहाँ सुल्तान ने अक्षय को दी है पटकनी। सलमान को 2 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार को 1 नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। किसका स्टारडम है जानदार, वेल यहाँ किसका जलवा है वो कैसे पता चलेगा। सलमान ने अब तक लगभग 87 फिल्मों में काम किया है। वहीं एक साल में 3 से 4 फिल्में करने के लिए फेमस अक्षय कुमार लगभग 120 फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिट फिल्मों की बात करें तो सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 31 हिट फिल्में दी हैं। वहीं अक्षय की झोली में लगभग 47 हिट फिल्में हैं। बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दोनों की फिल्मों की, तो अक्षय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, 138 करोड़ की कमाई के साथ। वहीं सलमान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है टाइगर जिंदा है। फिल्म ने 339 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही किया था। वेल तो अब दोनों स्टार्स की इन कैटेगरीज में कभी सलमान अक्षय पे भारी पड़े तो कभी अक्षय ने सुल्तान को दी है पटकनी। तो ऐसे में असली बॉक्स ऑफिस का बॉस है कौन, इस सवाल का जवाब ढूंढना है काफी मुश्किल। वैसे आपको दोनों में से कौन बेस्ट लगता है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं।